मैनपुरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के नाम अवगत कराया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 जून 2020 को 69,000 पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी, जिसमें हम सभी लोग चयनित थे, लेकिन कट ऑफ 60 से 65% विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित फैसला सुनाए जाने के कारण पिछले 3 माह शिक्षक बनने के लिए प्रतीक्षारत है। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2020 को सुरक्षित किए गए फैसले को यथाशीघ्र निर्गत किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करवाने की मांग की है। छात्रों ने बताया कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सब शिक्षक जन आंदोलन और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन और न्यायालय होगा। मैनपुरी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हम सभी की मांगे हैं, हम सभी चयनित लोगों को वापस लिया जाए। 69,000 की जो भर्ती की गई थी उसमें हम सभी लोग चयनित हैं। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा लोगों ने। देवेंद्र कुमार, मैनपुरी। नाम है तुम्हारा और आई कलेक्टर पे आए हैं, क्या मांग है? मेरा नाम सतंदा राजपूत है। मैं अभी सर से ये इस बात में बारे में बात करने गई थी कि 69,000 जो वैकेंसी निकली थी उसमें जो 67,867 की जो चयन सूची आई थी उसमें 31,000 पदों को तो सर कर दिया गया, लेकिन जो 37,347 बचे हुए हैं उनको अभी होल्ड रखा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर रखा है। लेकिन जो 31,000 हुए हैं उनमें भी सर ऐसा हुआ है कि जो हाई मेरिट वाले हैं वो छूट गए हैं काफ़ी, और जो लो मेरिट वाले हैं वो लग गए हैं। इससे हमें बड़ी वो है, लेकिन हम सर को ज्ञापन देने गए थे तो सर ने ये आश्वासन दिया है कि हम आपका जो ज्ञापन है वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर रिलीज होना है उसके लिए हम देने गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम ये मुख्यमंत्री के पास आपका ये ज्ञापन पहुँचा देंगे और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये ऑर्डर रिलीज। क्या नाम है आपका? आज जिलाधिकारी कार्यालय आए हुए हैं, किस मामले को लेकर आए? 70,000 की शिष्यकैन भर्ती निकली थी उसमें 31,661 सरकार ने भर्ती कर दी है जी, उसमें 37,349 पद रिजर्व है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आदेश आने के बाद होगी। ठीक है, तो उस आदेश को 24 जुलाई को वो आदेश रिजर्व हुआ था, तो उस आदेश को 3 महीने हो गए हैं 24 अक्टूबर को, तो मैं चाहता हूँ सरकार उसमें प्रार्थना पत्र दे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिलीज कराने के लिए, जिससे हम 37,000 परिवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल सके। अच्छा, इस शिकायत के तहत आप क्या मांगे कर रहे हैं सरकार से? सरकार डीएम साहब के महोदय से प्रार्थना पत्र दिया है कि आप सरकार को जानकारी पहुंचाएं जिससे हम 37,000 परिवारों को नियुक्ति पत्र मिले। क्या नाम है आपका और आज कलेक्ट्रेट पे आए, क्या पूरा मामला है? सर, मैं विनय कुमार 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी हूँ और मैं आज उसी भर्ती से संबंधित ज्ञापन लेके डीएम साहब के पास आया था। 2018 में सरकार के द्वारा 69,000 शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली गई थी और जिसमें सरकार ने भर्ती को 2 पार्टों में विभाजित कर दिया, 31,000 बच्चों का सिलेक्शन कर लिया है, बाकी 37,349 बच्चे बचे हुए हैं और उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप कोर्ट के अधीन है, जब कोर्ट का निर्णय आएगा तो हम उसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। तो आज हम इसी संबंध में मिले थे, हमारे जो केस था उसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका था, आज उसको 3 माह हो गए हैं, तो हम सरकार से निवेदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन रिव्यू कराई जाए और जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज कराया जाए, जिससे कि हम लोग जो मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं उससे हमें निजात मिले, जल्दी से जल्दी हम लोगों को भी जॉइनिंग दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।